चैनल। आज का ब्लॉग, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरा फेवरेट, बिहारियों का फेवरेट लिट्टी चोखा, जो कि आप किसी भी बिहारियों से पूछेंगे कि उसका फेवरेट क्या है, सबसे पहले नाम आता है लिट्टी चोखा का। और मैं शादी के बाद पहली बार बना रही हूँ लिट्टी चोखा, और मेरे जो हस्बैंड है वो है सिंधी, इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कैसा होता है क्या होता है। देखा है इन्होंने वीडियो पे, तो इन्होंने बोला है चलो बनाओ, और आज मैं इनको बना के टेस्ट करवाती हूँ, देखती हूँ उनको कैसा लगता है। सो चलिए चलते हैं किचन में, आपको पूरा मैं बताती हूँ कैसे बनता है। आर यू एक्साइटेड? कितना ज़्यादा? अगर नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया तो मैगी बना के दे देना। मारूंगी ना, इसमें इतना मेहनत लगता है कि क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ चोखा, मतलब जिसको चोखा ही बोलते हैं, बैंगन का भाजा, चोखा जो भी। तो सबसे पहले मैंने सत्तू ले लिया, सत्तू में अभी कुछ नहीं डाला, अभी मैं इसमें बताती हूँ। ये रहा टमाटर, ये रहा बैंगन, इसमें ये वाला बैंगन चाहिए, इसमें छोटा छोटा जो पतला बैंगन आता है वो नहीं चाहिए, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और आलू मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें लगाऊंगी ऑयल, सरसों का तेल, ताकि इसका जो छिलका है वो इजली उतर जाए। देख सकते हैं, होप आपको दिख रहा हो। तो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ सरसों तेल, ज़्यादा बन गया थोड़ा सा, तो मैंने ले लिया सरसों तेल। उसके बाद ऐसे बैगन में लपेटेंगे इसको, मैं कट भी करूँगी, कुछ कुछ लोग इसे कट नहीं करते हैं, शायद आपको आवाज़ ना हो रहा है तो मैं सीखी रहूँगी। हाँ, तो मैं इसको कट करके बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसके अंदर कीड़ा वगैरह होता है, कोई कोई लोग इसे कट नहीं करते, वो बाद में कट करते उबालने के बाद, बट मुझे नहीं चाहिए डेड बॉडी किसी का, सो मैं कट करके बनाती हूँ। चेक कर, लेट्स सी इसके अंदर कीड़ा है कि नहीं। वाओ, एकदम क्लीन है एकदम, तो मुझे बैगन लेना आ गया, तो मुझे बैगन लेना पापा ने सिखाया है, पापा के साथ सब्जी लेने हमेशा मैं ही जाया करती थी। तो आप देख सकते हैं एकदम क्लीन है बैगन, मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ उसको, मैंने अभी बैगन, टमाटर, दो टमाटर, तीन टमाटर, और ये रहा बैगन। इसको मैं ऑन कर देती हूँ लाइटर से, बस मैं व्लॉगिंग करना और साथ में कुकिंग करना, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग। हेड्स ऑफ, ऑन हो गया। अब मैं नीचे भी ऑन कर देती हूँ, इसका फ्लेम बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत, तो नीचे भी ऑन हो गया है। अब इसको मैं छोड़ दूँगी फॉर 15 to 20 मिनट इसको रोस्ट होने के लिए, थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, इसका फ्लेम काफ़ी हाई है। चलो इसको बंद करते हैं, तब तक मैं सत्तू को दिखाती हूँ, सत्तू का तैयारी करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम सत्तू में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें एक चीज़ और डलता है, उसको कहते हैं मंगरेल, जो ब्लैक कलर का होता है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर वो अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ। और मैंने सारा चॉपिंग कर लिया था, प्याज, लहसुन, नींबू, अदरक एंड चिली, तो सबको ले लेते हैं। ऑनियन अच्छी मात्रा में डालना, ग्रीन चिली थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है, अदरक तब थोड़ा सा डालूंगी, एंड ढेर सारा गार्लिक। इसमें डलता है सरसों का तेल, पर अगर आपके पास अचार है तो आप अचार का तेल के साथ मसाला भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मस्त वाला टेस्ट आएगा।
तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास मिक्स अचार पड़ा था उसका मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा मसाला, मसाला है ही नहीं, ये रहा, थोड़ा सा ऑयल और लूँगी एंड दैट्स इट। इसमें एक चीज़ और बाकी है कोरिएंडर, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर डालेंगे धनिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है, मस्त। थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ, वाह बहुत अच्छी। चीज़ और बता देती हूँ कि मेरे को सत्तू मिला नहीं था, मेरे को मिला था क्योंकि सत्तू हो गया था ख़त्म, तो ये रोस्टेड चना मिला था, मैं इसको लेकर आई, इसको ग्राइंड किया और थोड़ा सा कढ़ाई में थोड़ा सा भूजा एंड दैट्स इट। अगर आपके पास भी नहीं है सत्तू तो आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। बैगन भी हो चुका है, थोड़ा सा और हो जाए फिर बनाते हैं फटाफट। आलू को मैंने उबलने पहले ही रख दिया था, चोखा का भी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। गाइस देख सकते हैं ये इसमें बहुत अच्छे से कुक हो गया है, बहुत अच्छे से, आप शायद गैस में भी कर सकते हैं बट ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसको फटाफट पील ऑफ करती हूँ, ऑलरेडी पील ऑफ हो ही चुका है, उसमें साइड कर देते हैं। तो मैंने पील ऑफ कर लिया है ये बैंगन टमाटर, उसके अंदर मैंने डाला है चार आलू, आलू से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, जिसको बैंगन नहीं पसंद है इसके लिए ये सही है आलू। उसके बाद इसको मैं मैश कर देंगे अच्छे से, इसमें सब डालेंगे, ढेर सारा धनिया, प्याज, चिल्ली, प्याज इसमें बहुत डलता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, ढेर सारा लहसुन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरसों का तेल में अच्छी मात्रा में डलता है। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट और इसको करेंगे मिक्स। चोखा बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं ये रहा सत्तू, अब बनने जा रहा है डो। डो के लिए हमको सबसे पहले चाहिए, मैंने सबसे पहले लिया है आटा, उसमें डालेंगे हम ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना है मतलब थोड़ा सा, बस ऑयल डाल लिया, देन नमक भी डाल दिए, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसमें बन डालूंगी इसमें अजवाइन, अब इसका बनाऊंगी डो। सो गाइस अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, ये मेरा डो बिल्कुल रेडी है, डो को मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैं इसका दो तरीके से बना रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया, एक मैं फ्राई करके बनाऊँगी जो कि मेरा फेवरेट है, और एक वैसा बनाऊँगी। तो सबसे पहले इसको करेंगे ऐसे फटाफट गोल, उसके बाद ऐसे हम बनाएंगे इसको, एक कटोरी का शेप देंगे, बहुत मोटा नहीं बनाना है क्योंकि फ्राई इसको बहुत लो फ्लेम में फ्राई करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, और ज़्यादा फ्लेम में करेंगे तो फिर वो जल जाएगा और अंदर इसका जो है वो कच्चा बन रह जाएगा। तो ये मैंने बना लिया, दिस इज़ अ ईजी वे, ठीक है। अब यहाँ पे हम भरेंगे सत्तू, अब बिहार का सत्तू का बात ही अलग है, ये यहाँ पे ऐसा मिल गया, यहाँ पे एकदम प्योर सत्तू मिलता है, तो थोड़ा अच्छे से भरेंगे, देख सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा है वो बाहर आ जाए, एंड इसको कवर अप कर देंगे ऐसे, एंड इसका मुंह को ऐसे कर देंगे बंद, शट अप। ये हो गया हमारा लिट्टी बिल्कुल रेडी,
चीज़ को अच्छे से करिएगा ताकि आपका फ्राई होते समय ये फट ना जाए, वरना पूरा सत्तू आपके ऑयल में आ जाएगा और तेल हो जाएगा खराब। तो हमारा लिट्टी बिल्कुल रेडी है। अब ऐसे मैं फटाफट बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। देख सकते हैं यहाँ पे लिट्टी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और लीची भी रेडी है। जैसे कि मैं दो तरीके से बनाने वाली हूँ। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तेल, अभी तेल गर्म नहीं हुआ है तो मैं पहले नीचे रख देती हूँ, पहले मैं लाइटर को बाद में ऑन कर लूँगी। तो मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं चार ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। देख सकते हैं आप, ये हमारा लिट्टी चोखा बिल्कुल रेडी होने वाला है थोड़ी सी देर में। अब यहाँ पे गैस को कर देती हूँ ऑन, मैं इसको बंद कर देती हूँ। लेट इट कुक। अब ये भी हो गया है गरम, फटाफट इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करके आपको मिलते हैं, टेस्ट कराते हैं और इनसे इनका रिएक्शन देखते हैं, इनको कैसा लगा फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले लिट्टी चोखा इन देयर लाइफ, वो अपने लाइफ में। सो चलिए मिलते हैं गाइस, फटाफट मैं इसको बना के मिलती हूँ। इस टाइम टू रिव्यू, अब मैं इनको लेके जा रही हूँ टेस्ट कराने, देखते हैं कैसा लगता है। तो इट्स अ रिव्यू टाइम, आ जाओ। अ जेन्युइन रिव्यू देना, ऐसा नहीं है कैमरा है तो अच्छा बोल दो, पसंद आना चाहिए, दैट्स इट। चलो आ जाओ फटाफट, थोड़ा सा तोड़ना है इसको, हल्का सा चोखा लेना है। चोखा थोड़ा ज़्यादा लीजिए, चोखा इसका मेन चोखा के साथ ही आता है खाना खाने का मज़ा। चोखा को एकदम ऐसे भर के लेना है इसमें। मुझे बैंगन थोड़ा पसंद नहीं है, बैंगन नहीं, मैंने इसलिए आलू भी डाला है, टमाटर भी डाला है। सरसों का तेल है, सरसों के तेल से ही बनता है चोखा। गिव रेटिंग आउट ऑफ 10, 8.5। ओके, कट नहीं किया था, 8.5 आपके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से बोलो तो ये बहुत सही बना है। अभी कोई अगर किसी आप यूपी या बिहार वालों को खिलाएंगे तो उनके लिए बेस्ट है, बट इनके लिए फर्स्ट टाइम था और ये खाते नहीं है, उसके हिसाब से अच्छा रेटिंग है। मेरी बारी खाने की। ये सो गाइज, होप आप सबको मेरा लिट्टी चोखा का रेसिपी पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते मेरे वीडियो को, क्या वीडियो इतना ज़्यादा ख़राब होता है क्या? पर नहीं होता है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।